हेलो एवरीवन, दिस इज आरुष फ्रॉम अकिलिटी सर्विसेज एलएलपी। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप वंडरशेयर फिल्मोरा का यूज करके आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल इंट्रो कैसे बना सकते हैं इस तरीके का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है वंडरशेयर फिल्मोरा के आइकन पे, उसको ओपन करने के लिए। देखो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बाद में ओपन हो जाएगा ये। सो ये ओपन हो गया है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे, और फिर आपको मीडिया पे सर डबल क्लिक करना है। फिर आपको अपना सब्सक्राइब इंट्रो का सर्च करना है, SUV। मुझे मिल गया सब्सक्राइब एनिमेशन टेक हेल्पर, तो इसको सिंपली क्लिक करके मैं ओपन कर लूँगा अपने मीडिया पे। देखिए ये मेरे मीडिया पर आ चुका है। तो सिर्फ ये नहीं, मुझे मेरा लोगो भी चाहिए, तो मैं लोगो ऐसा सर्च कर लूंगा। मुझे मेरा लोगो भी मिल गया, तो मैं उसको भी क्लिक करके अपने मीडिया पे ओपन करूंगा। आप लोग सोचोगे कि सब्सक्राइब एनिमेशन मिला कहाँ से, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसको आपको अपने फिल्मोरा के टाइमलाइन पे लाना है, ये टाइमलाइन पे आ गया। और अपने लोगो को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके एनिमेशन वीडियो के ऊपर लाना है। ये बात आप लोग यहाँ ध्यान रखिए कि ना आगे ना पीछे, सिर्फ इसके ऊपर लाना है। अभी आप देखोगे कि ये लोगो बहुत बड़ा है, ये छोटा भी आप इसको कर सकते हैं। ऐसा करके आप उसको छोटा भी कर सकते हैं। परफेक्ट, ये अभी हो गया है। अभी आप देखोगे कि ये नीचे से वो एनिमेशन आने के पहले हमारा लोगो ऐसा दिख रहा है, तो ये हमको इसको कैसे हटाना है, आपको सिंपली ये कट करना पड़ेगा। और कट कैसे करेंगे मैं आपको अभी बताती हूँ। आपको वीडियो को स्टार्ट करना होगा और फिर पॉज करना होगा, और फिर इसे कट कर लिया। देखो फिर सब्सक्राइब, जैसे ये नीचे जाने लगेगा पीछे से भी आप पर इसको ऐसा कट कर देंगे। ओके, तो जैसे ये आप देख रहे हैं मेरा इंट्रो रेडी है। एक बार मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखो सिंपल, और आपको ऑडियो भी डालना है तो पीछे से मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाल सकते हो। यहाँ पर मीडिया के बाजू में ऑडियो करके है, उस पर क्लिक करके कौन सा ऑडियो चाहिए आपको वैसा सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये मैंने लिया, नीचे करके ये ज्यादा लंबा हो गया तो इसको कट कर देंगे हम ऐसे। ये कट हो चुका है, देखिए अब मुझे ये ऑडियो नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो आप लगा सकते हैं, तो सिंपली मैं इसको भी कट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। उस पर डबल क्लिक करके डिलीट का बटन पे क्लिक करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो मेरा ये रेडी हो गया, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको एक्सपोर्ट करके, इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, और फिर यहाँ पर नीचे भी एक और आएगा, उसको भी एक्सपोर्ट कर दीजिए, तो ये जल्दी एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो ये एक्सपोर्ट हो गया है। कि ये हम अपने वीडियो में डालेंगे कैसे, तो फिर आपको ये डालना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली अभी ये सब एक्सपोर्ट हमारा हो चुका है, तो हम इसको भी डिलीट कर देंगे यहाँ से, लाइक दिस। तो डिलीट कैसे करना है, इस पर आप एक बार क्लिक कीजिए और फिर डिलीट का ऑप्शन को, ऑप्शन के बटन को क्लिक करके डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। और फिर आपको किस वीडियो में डालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कैसे डालना है उस वीडियो में। सपोज मेरे को ये वीडियो में डालना है, मेरे इतने सारे वीडियोस हैं तो मुझे इस वीडियो में डालना है, तो मैं इसको अपने मीडिया पे ओपन करूंगा, और फिर वो मेरा सब्सक्राइब इंट्रो भी यहाँ पर लेके आ जाऊंगा।
और फिर इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। और ये काफी ज्यादा बड़ा है तो मैं इसको छोटा कर दूंगा थोड़ा टाइमलाइन मेरा। और ये इसको आप मेनली जैसा बोलेंगे ना, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वहां पर आप ये ऐसा एनिमेशन डाल सकते हैं। देखो ऐसा, तो यहाँ तक देखने के लिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। देख रही आप, देखो आपकी ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि ये है ना एनिमेशन, इसको डबल क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जो कि फोर्थ ऑप्शन, इट्स क्रोमा की, इसको अनेबल कर देना है। और उसके बाद इसे ओके करके, या भी आपको दिख रहा नहीं होगा अच्छे से तो इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आ गया। एंड देन डन एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी हम नया वीडियो डालें। थैंक यू। ऐसा आप अपने वीडियोस में डाल सकते हैं और वो एनिमेशन इंट्रो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।